हाँ, जैसा कि आपको पता है कि हिंदू धर्म रक्षक दारा सेना प्रमुख मुकेश जैन की गिरफ्तारी उड़ीसा पुलिस ने दिल्ली आकर के उनके मकान से कर चुकी थी, जो लगभग 90 दिन होने वाला है, लेकिन अभी तक उनकी रिहाई नहीं हो पाई है। उसमें कहीं ना कहीं बिगड़े वरिष्ठ अधिवक्ता एपी सिंह जी और कर दिए प्रेस कॉन्फ्रेंस, उठाए कई बड़े सवाल, जिसमें मौजूद रहे स्वामी ओम और शिवनंदन सिंह, क्षत्रिय न्यास दल के भी प्रमुख कहे जाते हैं। आइए हम सुनेंगे एपी सिंह जी क्या कुछ कहते हैं इस मामले को लेकर के, जो सीधे न सीधे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान उठता है मुकेश जैन को लेकर। आइए हम सुनाते हैं एपी सिंह जी को। हिंदू धर्म रक्षक दारा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश जैन जी को दिल्ली से 8 जुलाई को उड़ीसा पुलिस अरेस्ट करके ले गई वहाँ, और तब से जुडिशियल कस्टडी में रखा। एक गलत व्हाट्सएप मैसेज उनकी आईडी हैक करके फ्लैश किया गया, जो 4 लोगों तक पहुंचा, और उसके बाद यहाँ दिल्ली में FIR रजिस्टर्ड हुई। दिल्ली में उन्हें तुरंत थाने से एंटीसिपेटरी बेल दे दी गई उसी व्हाट्सएप मैसेज पर, और उसी व्हाट्सएप मैसेज को मुख्य मुद्दा बनाकर बालेसर पुलिस ने, डिस्ट्रिक्ट बालेसर, भद्रक और उड़ीसा कटक CID सेल ने FIR रजिस्टर्ड की सेम मैसेज पर, और वहाँ इसको तब से जेल में रखा हुआ है। हमने इस बाबत सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल कर रखी है, जिसमें सारे केस क्लब करके दिल्ली में मंगाए जाएं, क्योंकि दिल्ली में उनका जो जुरिडिक्शन है, रेजिडेंस है, वो दिल्ली में है, तो इसमें दिल्ली बुलाया जाए उन सारे केसों को, और यहाँ ट्रायल हो, क्योंकि एक ऑफेंस पर 4 जगह, विभिन्न जगह केस रजिस्टर किया गया, उनको ट्रांसफ़र किया जाए, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका है। वहाँ हमारी कटक हाई कोर्ट में याचिका बेल की लगी हुई है, जिसमें हमने मुकेश जैन को शीघ्र बेल दिए जाने की मांग की गई, क्योंकि उनकी माता जी भी बीमार हैं, उनकी पत्नी भी बीमार हैं, काफ़ी ओल्ड एजेड हैं, वो खुद भी बीमार हैं, और देशभक्ति की भावना स्रोत है। उन्होंने कुछ भी ऐसा गलत नहीं किया जो कि देश के सुप्रीम कोर्ट, सबसे बड़ी अदालत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए गलत हो। ऐसा किया हो तो हम सब उसका खंडन करते हैं। उसी व्हाट्सएप मैसेज पर दिल्ली पुलिस ने, जो कि एशिया की सबसे तेज तर्रार पुलिस है, उसने उसमें बेल दे दी है, वहीं तुरंत बेल दे दी है, और उसी व्हाट्सएप मैसेज पर बालेश्वर जेल में 8 जुलाई से हैं, बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और भद्रक में भी 8 जुलाई से हैं, और कटक उड़ीसा में भी 8 जुलाई से जुडिशियल कस्टडी में। CRPC एक है, IPC एक है, लेकिन ये पूरी तरह से उसका दुरुपयोग हो रहा है राजनीतिक प्रतिद्वंदता की वजह से, कि पॉलिटिकल माइलेज मुकेश जैन ना ले लें, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। किसको फायदा हो रहा है, आप क्या समझते हैं, किसकी साजिश हो सकती है? वहाँ के जो भी दल हैं, जो भी राजनीतिक दल हैं, जिन्हें आप सब लोग जानते हैं, मुझसे क्यों कहलवाएंगे आप, वो हैं सब वही फायदा लेना चाह रहे थे, उन्हीं को अपने पॉलिटिकल मुने लगा कि हम तो जीरो हो गए उड़ीसा की जनता में, और मुकेश जैन भगवान प्रभु श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा करा के, अलाउ करा के, सुप्रीम कोर्ट से मिलके परमिशन, ये उड़ीसा के हीरो बन गए। कि मुकेश जैन जी को तुरंत जो है, जो भी इनके ऊपर मुकदमे लगाए गए, सरकार उसको तुरंत तत्काल उसको खारिज करे, और मुकेश जैन को तत्काल जो है रिहा करे। अगर सरकार इस पर कार्रवाई नहीं करती तो और भी बहुत सारे संगठन हैं मुकेश जैन के साथ खड़े होंगे। क्षत्रिय समाज न्यास तो खड़ा ही है, हर तरह से आंदोलन करने के लिए खड़ा है, क्योंकि मुकेश जैन बहुत एक देशभक्त थे। मैं उनके साथ आज नहीं, करीब 20 साल से मुकेश जैन को जानता हूँ। सॉरी गलती मीडियम इस समय जेल में है ना, और महाराज ओम स्वामी जी के वरिष्ठ एडवोकेट, इनके साहब के साथ रहा हूँ, मैंने देश के लिए इन्होंने बहुत काम किया है, मैं भी देश के लिए बहुत अच्छा काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग, लेकिन आप लोगों से बहुत विनती है, आज की डेट में जो है, जो कुछ है, आधा जा कोर्ट क्या, सोशल मीडिया जो है आज की डेट में बहुत बड़ा महाकोर्ट बन चुका है। वो भीमा कोरे गाँव के अर्बन नक्सलियों ने फंसाया है, क्योंकि हम इन अर्बन नक्सलियों के खिलाफ पिछले 30 सालों से हम लड़ रहे हैं, सड़कों पे से लेकर के कोर्ट तक। आपको याद होगा कि गौतम नवलखा को लगातार 1 साल तक इंटरिम बेल मिलता रहा, गिरफ्तार नहीं किया जा रहा था। हमारे पिटीशन पे उसको गिरफ्तार किया गया। रोना विल्सन ने ये मोदी जी की हत्या का साजिश बनाया था, तो उसमें भी हमने उसको गिरफ्तार करवाया। तो ये पूरा जो गैंग है, इंटरनेशनल गैंग है अर्बन नक्सल्स के, उनको बर्बाद हमने किया, तो वो इस बहाने से मुकेश जैन को बर्बाद करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसकी हम निंदा करते हैं। और सरकार से हम अपील करते हैं, जैसे कि एपी सिंह जी ने कहा कि देशभक्त को इस तरह से आप कैद करके रखेंगे तो लोग देशभक्ति से ही नफरत करना शुरू कर देंगे।